मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फोर्थ पोएम कर रहे हैं। एज यू नो दैट वी आर डूइंग आवर फोर्थ पोएम एंड इन दिस फोर्थ पोएम आई हैव टोल्ड यू अबाउट अबाउट द पोएम अबाउट द पोएट एंड विद दैट द समरी इन आवर प्रीवियस वीडियो। इन दैट वीडियो आई हैड ऑल्सो एक्सप्लेन फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ दिस पोएम एंड नाउ we are doing the next explanation of this poem. So I am beginning this poem from the first line and till end we will complete it, try to complete it in this same video. Okay, it's a simple conversation between two persons. One is tenant and other one is the land owner. They both are starting conversation on each other, but here we have one problem. Here in this conversation there is a one problem that the person who is tenant is black one, and the landowner is asking question from him that you are less black or more black or what type of black person you are. Okay, so here we can see the racial distinction, racial discrimination between the two people. Okay, so let's start doing the poem with the beginning. Okay, the price seemed reasonable, location indifferent. Here the poet is saying that the price of that house or that room is okay, reasonable. There is not much अप एंड डाउन इन द प्राइस। प्राइस जो है वो तो रीजनेबल है, सही है। लोकेशन इनडिफरेंट, मतलब कि लोकेशन जो है वो थोड़ा सा इनडिफरेंट है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, कि लोकेशन जो है वो थोड़ा इनडिफरेंट है। द लैंड लेडी स्वोर सी लिव्ड ऑफ प्रॉमिसेस। लैंड लेडी जो है वो ये सौगंध खा के कहती है, सी इज टेकिंग ओथ दैट सी डजंट लिव हेयर इन दिस हाउस टू मच, कि वो यहाँ बहुत ज़्यादा इस घर में नहीं रहती है, ज़्यादातर वो बाहर ही रहती हैं। नथिंग रिमेन बट सेल्फ कन्फेशन, इसलिए उसने कहा कि नथिंग रिमेन, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सेल्फ कन्फेशन यानी कि सारी चीज़ खुद ही स्वीकार कर लो, अपने आप ही बता दो। मैम आई वॉन्ट, उसने कहा मैम आई वॉन्ट, तो टीनेंट जो है यानी कि जो ऑथर है वो कहता है मैम आई वॉन्ट, आई हेट ए वेस्टेड जर्नी। वो कहता है आई वॉन्ट, मैं आपको बताता हूँ कि मैं घृणा करता हूँ, आई हेट ए वेस्टेड जर्नी, कि मैं घृणा करता हूँ वेस्टेड जर्नी यानी कि व्यर्थ की यात्राओं से, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ की यात्राएं नहीं करता। I am African. With that, he also told him that he is an African. कि वो क्या है? एक African है। African से मतलब अफ्रीका का रहने वाला है और ब्लैक है। ठीक है? Ma'am, I am African. African. As he told that he is an African, there is totally silence. No one is talking. The landowner is also quite at that time when he listened that the other person or the tenant is an African. Silence. Chuppi thi wahan par. Silence transmission of pressurized good breeding. To yahan par isne kya kaha ki jo silence hota hai, ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया था कि साइलेंस यानी कि जो चुप्पी होती है वो क्या करती है, प्रेशराइज्ड, वो दबाव देती है, वो बनाती है, वो एक ऐसा प्रेशर बनाती है ऑफ गुड ब्रीडिंग। गुड ब्रीडिंग मतलब कि सामने से अच्छे मैनर में बात हो, यानी कि गुड ब्रीडिंग का मतलब होता है गुड मैनर्स रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग और बैकग्राउंड, यानी कि अच्छा लालन पालन का परिणाम होता है ये। तो उसने यहाँ पर कहा साइलेंस ट्रांसमिशन, साइलेंस जो है वो क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है ऑफ प्रेशराइज्ड एक दबाव में किए हुए गुड ब्रीडिंग का, यानी कि एक अच्छे लालन पालन का, क्योंकि पता होता है कि जब कोई बात अगर हमें पसंद नहीं आती है तो उस पर चुप रहना ज़्यादा आसान है, यानी कि चुप रहना अच्छा है, और जब आप चुप रहते हो तो ये दिखाता है कि आपका जो ब्रीडिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, आपका लालन पालन बहुत अच्छा हुआ है। वो इस मैन इट केम, परंतु उसके बाद में जैसे ही आवाज़ आई, लिपस्टिक कोटेड लॉन्ग गोल्ड रोल्ड,
cigarette holder pipe. Caught I was foully. How dark I had not misheard. Are you light or very dark? यानी कि जैसे ही फिर वहां से जब आवाज आई, वो इस when it came, जैसे ही आवाज वहां से आई, लिपस्टिक कोटेड, वो लिपस्टिक लगाई हुई महिला, यानी कि सुंदर सी महिला की आवाज, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड की, एक लंबे जो गोल्ड यानी कि सोने के, यहां पर क्या कहा उसने, यहां पर वो उसके बारे में बता रहा है कि वो क्या है, एक सुंदर सी महिला है, दिखने में वो बहुत सुंदर महिला है, पर यहां पे बताया गया है कि जो समय है वो सुंदरता को नष्ट कर देता है। तो उसी को लेकर के यहां पे इसने कहा कि he told her that he did not like to travel in vain and wanted to settle the deal. After that, as he told him that he is an African, so then a voice came from the lipstick. यानी कि उसके बाद में एक आवाज आती है एक lipstick coated lady की, एक lipstick लगाई हुई महिला की, who was holding a gold rolled cigarette holder, कि जो उसने gold color का एक रोल किया हुआ सिगरेट होल्डर जो है वो उसने पकड़ रखा था, जिसमें सिगरेट लगती है और फिर उसको पिया जाता है, उसको उसने पकड़ रखा था, उसमें उसको लिए हुए उसने कहा किसी आस, उसने पूछा कॉट आई वॉज, पकड़ा गया था मैं, यानी कि उसने यहां पर कि उसने वहां पर पूछा, क्या पूछा, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसने वहां पर कहा हाउ डार्क, कितने डार्क हो तुम, कितने काले हो तुम, आई हैड नॉट मिस हर्ड, मैंने शायद गलत नहीं सुना, आर यू लाइट डार्क और वेरी डार्क, क्या तुम कम काले हो या बहुत ज्यादा तुम काले हो, कि तुम कम काले हो या बहुत ज्यादा काले हो तुम मुझे बताओ, बटन बी बटन ए स्टेंच और रेंसी ब्रीथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, इससे पहले हमने कर लिया है, ठीक है, अब इसके बाद में हम कर रहे हैं आगे, यहाँ तक का हमने शायद पहले कर लिया था, वी हैव डन टिल हियर एंड नाउ वी आर डूइंग फर्दर, नाउ ही इज सेइंग बटन बी बटन ए, बटन बी ए बटन ए मतलब प्रेस द बटन, बटन दबाओ ए या बी, मीन्स आई हैव गिवन यू ए ऑप्शन हियर, मैंने तुम्हें यहाँ ऑप्शन दिए हैं, दो ऑप्शन दिए हैं, आई हैव गिवन यू टू ऑप्शंस हियर, मैंने यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से, बटन ए आर यू लाइट डार्क, बटन बी मींस ऑप्शन बी दैट आर यू अ वेरी डार्क पर्सन, प्रेस बटन ए एंड बटन बी मींस बताओ मुझे कि कौन से हो तुम, ए ऑप्शन में से हो या ऑप्शन बी में से हो, स्टेंच और रेंसिड ब्रीथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, स्टेंच, स्टेंच का मतलब होता है दुर्गंध, फाउल स्मेल, यानी कि दुर्गंध, उसने पूछा यहां पे कि कहीं तुम में से दुर्गंध तो नहीं आती, स्टेंच ऑफ रेंसिड ब्रीथ, रेंसिड मीन्स खट्टी को बोलते हैं, स्मेलिंग लाइक स्टेल फैट, यानी कि अप्रिय गंध वाला एक खट्टी सी जो है वो दुर्गंध वाला, कि कहीं तुम एक खट्टी सी दुर्गंध वाले ब्रीथ, यानी कि जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारी सांसों में से खट्टी सी दुर्गंध तो नहीं आती, कहीं तुम एक ऐसे व्यक्ति तो नहीं हो, ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, कि जिससे लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं, एंड स्पीक और उसके बारे में बात करते हैं, कहीं तुम ऐसे व्यक्ति तो नहीं हो। तो वहां पर वो एक बार फिर उससे पूछती है, कहती है कि तुम बहुत डार्क तो नहीं हो, whether he committed foul smell in his breath, कि कहीं उसकी सांस के अंदर कहीं दुर्गंध तो नहीं आ रही है, of concealing oneself and speaking, यानी कि अपने आप को छिपाने तथा बोलने का आदि तो नहीं हो तुम। यहाँ पर कवि जो है वो उससे कहते, कवि से वो पूछती है, यानी वह हल्का काला या बहुत काला तो नहीं है, और क्या वह अपने सांस के साथ भद्दी सी बदबू, गंदी सी खट्टी सी बदबू छोड़ता था, अपने आप को छिपाने का तथा बोलने का आदि था, कि कहीं जब कभी कभी कभार अपने आप को छिपा लेता था, कभी कभार अपने आप को बोल लेता था, क्या कहीं वो इस चीज का आदि था। तो यहाँ पर कवियत्री उससे क्वेश्चन जो है वो पूछ रही है, ठीक है।
अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? So here the poet is in these lines tells us that generally English landladies do not like African peoples, so that's why they ask this so many questions from Africans before giving their room or house. Okay, the poem throws light on racial discrimination here. It is a satire in content. Okay, so now we are doing further. हम आप आगे कर रहे हैं कि इसमें आगे जो है वो क्या पूछा जा रहा है इन पंक्तियों के अंदर. Red booth, red pillar box. अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि red booth, red pillar box, red double tire, omnibus, squelching tar. कभी क्या कहता है? If the white lady asked prospective about the African king whether he was using red boot, कि क्या कहीं वो उसे पूछ रही है कि लाल बूट का इस्तेमाल तो वो नहीं करता, रेड बूट, ठीक है, कि कहीं तुम लाल बूट का इस्तेमाल तो नहीं करते, रेड पिलर बॉक्स, कि कहीं तुम लाल लेटर बॉक्स का इस्तेमाल तो नहीं करते. पिलर बॉक्स से मतलब यहाँ पे पिलर के अंदर जो बॉक्स होता है जिसमें लेटर डाला जाता है उसके संबंध में पूछा जा रहा है कि कहीं तुम रेड पिलर बॉक्स का अर्थात लाल लेटर बॉक्स का तो इस्तेमाल नहीं करते और रेड डबल टायर्ड या लाल दो टीयर वाली ओमनीबस का प्रयोग तो नहीं करते. एक ओमनीबस यानी कि एक बस आती है जिसको ओमनीबस कहा जाता है, ठीक है, तो उसने वहाँ पर पूछा कि कहीं तुम एक ऐसी बस का इस्तेमाल तो नहीं करते. वापस से देखते हैं इसको क्या कहता है कि रेड बूथ रेड पिलर, वो वापस से लेडी पूछती है उससे कि कहीं तुम रेड बूथ का इस्तेमाल तो नहीं करते, रेड पिलर बॉक्स, कि कहीं तुम रेड लेटर बॉक्स का इस्तेमाल तो नहीं करते और रेड डबल टायर ओमनीबस, या तुम कहीं रेड डबल टायर यानी कि दो टायर डबल टायर वाली, देखिए बस के पीछे डबल टायर लगे होते हैं, कि रेड डबल टायर की तुम कहीं ओमनीबस का यूज़ तो नहीं करते. एक बड़ी बस होती है जिसको हम ओमनी बस कहते हैं, कि कहीं तुम उस ओमनी बस का प्रयोग तो नहीं करते, स्क्वेल्चिंग टार, ठीक है, स्क्वेल्चिंग, स्क्वेल्चिंग का मतलब होता है मेकिंग ए साउंड लाइक समवन और समथिंग ट्रेडिंग इन थिक मड, यानी कि जब हम क्या करते हैं कि फच फच की आवाज़ करते हुए कीचड़ के अंदर चलते हैं, जब कीचड़ में चलते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जैसे पाम लगता है फच फच की आवाज़ आती है, तो उसके लिए उसने कहा कि जैसे कीचड़ में चल रही हो ऐसी बस तो नहीं है. तार, तार का मतलब होता है कोल तार, कोयला, कोल तार जैसे सड़क के ऊपर जब डालते हैं ना कोल तार, तो उसको बोलते हैं, ठीक है. तो उसने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोल तार के अंदर कीचड़ के, कोल तार पर कीचड़ के समान चलने वाली कहीं तुम ओमनी बस का प्रयोग तो नहीं करते. इट वॉज रियल शेम, ये वास्तविक था, शेम्ड, शर्मिंदगी से भरा हुआ था, बाय इल मैनर्ड साइलेंस, कि वहाँ पर अब एक चुप्पी जो थी वो इल मैनर्ड थी, यानी कि जिसके अंदर किसी प्रकार का मैनर नहीं था. सरेंडर, पुस्ड, डम्बफाउंडेड, सरेंडर, सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण कर देना, ये इसके समान था कि जैसे आत्मसमर्पण कर दिया गया तो कुछ डम फाउंडेड और एक ऐसे व्यक्ति को धकेल दिया हो कि वो बिल्कुल भी चुप रहे, चुप्पी साधे रहे. डम फाउंडेड मतलब घूमे घूमे के समान पाया जाना, अर्थात बिल्कुल चुप रहना. टू बैग, सिंप्लीफिकेशन, टू बैग, बैग का मतलब निवेदन करना, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, कि जिसके सामने ये कहा गया हो कि वो अपने सरलीकरण करे, अर्थात अपने आप के बारे में वर्णन करे, बताए, यहाँ पर अपने आप के बारे में वो बताए. तो यहाँ पर अब वापस से वो क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब कहीं तुम यानी कि वो गोरी जो मकान मालकिन है उसने प्रत्याशित रूप से अफ्रीकन किराएदार से पूछा, अप्रत्याशित रूप से उस अफ्रीकन किराएदार से पूछा कि क्या वह लाल बूथ का, लाल लेटर बॉक्स या लाल दो टीयर वाली ओमनी बस का प्रयोग करता है, कि जो क्या करती है सामान्यतः निग्रो लोगों द्वारा ये प्रयोग की जाती है, कि कहीं तुम उसका प्रयोग तो नहीं करते जो क्या है एक फच फच की आवाज़ के साथ में आगे बढ़ती है, ऐसी बस का इस्तेमाल तो नहीं करते. तब शांति हो गई वहाँ पर, चुप्पी छा गई जो कि खराब व्यवहार को दिखाती है. वह स्पष्टीकरण चाहती थी, यानी कि जब एक सामने वाला पूछता है, एक व्यक्ति पूछता है और सामने वाला चुप हो जाता है तो यह व्यवहार कैसा माना जाता है, यह एक बहुत ही खराब व्यवहार माना जाता है. और उसी के लिए यहां पर पूछा गया है कि जब वो व्यवहार वहां पर किया गया, जैसा व्यवहार वहां पर किया गया,
वो नहीं होना चाहिए था, वो आवाज़ उसका उत्तर चाहती थी, जबकि ये निग्रो व्यक्ति, ये काला व्यक्ति जो है वो चुप हो गया, जो कि एक खराब व्यवहार को दर्शाता है। वह स्पष्टीकरण चाहती थी कि भले ही उसने यह दिखाया कि वह दयालु थी, ठीक है, परंतु वो क्या चाहती थी, वो स्पष्टीकरण चाहती थी, वो चाहती थी कि भी उसके सामने स्पष्ट किया जाए सारा कुछ। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइंस, कंसीडर्ड सी वॉज वेरीफाइंग द एम्फेसाइज, कंसीडर्ड स्वीकार किया, सी वॉज वो थी, यानी कि यहाँ पे निग्रो है, निग्रो महिला है, कंसीडर्ड सी वॉज स्वीकार किया, कंसीडरेट, कंसीडरेट का मतलब होता है यहाँ पे कंसीडर करना, ठीक है, तो वी कैन सी, सॉरी यहाँ पे कंसीडरेट का मतलब, सॉरी नहीं, कंसीडरेट का मतलब है यहाँ पे केयरफुल नॉट टू हर्ट अदर्स, या केयरफुल नॉट टू हर्ट अदर्स, यानी कि दूसरों की भावनाओं को ध्यान रखने वाला। दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखने वाला, उसने कहा बैक सिंप्लीफिकेशन, वो स्पष्टीकरण चाहती थी, कंसीडर्ड सी वाज, हालांकि उसने दिखाया, शी शोज दैट शी इज अ कंसीडरेट लेडी, यानी कि वो दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने वाली महिला थी, उसने ये कहा। वेरीफाइंग द एम्फेसाइज, तब दबाव देते हुए उसने वेरीफाई किया, वेरीफाई का मतलब स्पष्ट किया, अपनी बातों को स्पष्ट किया, उसने कहा आर यू डार्क और वेरी लाइट, उसने फिर पूछा उससे अपने स्पष्टीकरण को चाहने के लिए, उसने कहा आर यू डार्क, कहीं तुम बहुत ज़्यादा काले तो नहीं हो, और वेरी लाइट, या तुम बहुत हल्के तो नहीं हो। रिवलेशन के तभी उत्तर आया कि दूसरी तरफ से एक रिवलेशन आया, यानी कि उसने प्रकट किया, उसने बताया, टेल हर, उसने बताया, या यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट, उसने कहा यू मीन, तुम्हारा मतलब है लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट, कि क्या प्लेन और मिल्क चॉकलेट के समान। हर एसेंट वॉज क्लिनिकल, उसका जो एसेंट था, एसेंट का मतलब उसका बोलने का तरीका, उसका भाव, उसकी बोली, वो क्या थी, क्लिनिकल थी, क्लिनिकल मतलब भाव सुने, अन इमोशनल, कि वो उसकी जो आवाज थी वो भाव सुनने थी, उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। क्रशिंग इन इट्स लाइट, क्रशिंग इन इट्स लाइट, जो क्या कर रही थी, उसकी रोशनी के अंदर उन चीज़ों को दबाते हुए उसने, क्रशिंग का मतलब दबाना, ठीक है, क्रशिंग इन इट्स लाइट, अपनी उस प्रकाश के अंदर उसे दबाते हुए, इम्पर्सनैलिटी, यानी कि भावनाओं से प्रभावित होकर के, भाव शून्य, कि भावना शून्य होकर के उसने अपनी बात उससे पूछी। रैपिडली तभी क्या हुआ, यानी कि यहाँ तक हमने देखा कि उस वो एक बहुत ही भावना शून्य महिला थी, और उसने भाव शून्य अंदाज के अंदर उससे पूछा कि हाँ तुम बताओ कि तुम काले हो या गोरे हो, तुम कैसे हो, तुम बताओ तो सही। तब उसने क्या किया, रैपिडली तेजी से, वेव लेंथ एडजस्टेड, कि उसने क्या किया, तेजी से वेव लेंथ एडजस्टेड, यानी कि अपनी बातों को एडजस्ट करते हुए, समायोजित करते हुए, सही तरीके से उनको उसने स्वीकार करते हुए कहा, आई चूज, हाँ मैं चुनता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ, वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, उसने कहा हाँ वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, सेपिया मतलब स्पाइसेस, यानी कि प्रजाति, कि मैं उस वेस्ट अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका की प्रजाति का रहने वाला हूँ, अर्थात मैं बहुत ज़्यादा काला हूँ, एंड एज आफ्टर दो, और उसके बाद के जैसे लोग हैं, उसके बाद उसने आगे और बताया, एज आफ्टर दो, फिर उसने बताया, डाउन इन माई पासपोर्ट, साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि बारीकी से उसने विश्लेषण किया इस चीज़ का, और कहा आई चूज, उसने कहा हाँ मैं चुनता हूँ, मैं बताता हूँ, वेस्ट अफ्रीकन से दिया, कि मैं एक वेस्ट अफ्रीका का रहने वाला, प्रजाति का रहने वाला हूँ, मैं बहुत काला हूँ, एंड एज आफ्टर दो, और उसके बाद में उसने अपना पूरा वर्णन वहाँ पर किया। डाउन इन माई पासपोर्ट, उसने कहा कि मेरी पासपोर्ट के अंदर भी मेरी फोटो लगी हुई है, जो बहुत ज़्यादा काली है, साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिया, स्पेक्ट्रोस्कोपिया मतलब विश्लेषण करना, विश्लेषण करने के लिए बाद में वहाँ पर पूरी तरह से जो है वो चुप्पी छा गई, एज इफ डन विथ ए स्पेक्ट्रोस्कोप,
मीन्स हेयर वेरी मिन्यूट एनालिसिस बारीकी से किया गया विश्लेषण, यानी कि उसने पूरी से बारीकी से अपना पूरा विश्लेषण यहाँ पर किया। ठीक है, फ्लाइट ऑफ फैंसी, फ्लाइट ऑफ फैंसी मतलब कल्पना की उड़ान। चलो यहाँ तक हमने कर लिया, बाकी बचा हुआ जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। स्टिल वी हैव डन 20 मिनट्स वीडियो, अभी तक हमने 20 मिनट का वीडियो किया है, तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो फिर आप उसको सही तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो आज के लिए हम इतना ही इसमें करते हैं, बाकी बचा हुआ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।